तो बच्चों, किसी भी एग्ज़ाम में सक्सेस पाने के लिए एक बहुत ज़रूरी बात होती है कि आप एग्ज़ाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग तैयारी करें। आप तैयारी का मतलब ये मत समझिए कि कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं वो आपको अच्छा लग रहा है तो आप उसमें डूब गए, कोई टॉपिक आपको कम समझ में आ रहा है तो आपने उसको स्केप कर दिया, बिल्कुल उसको टच भी नहीं किया। आप अपनी सुविधा को देख करके टॉपिक का चयन मत करिए। आप हमेशा इस चीज़ को नोटिस करिए कि आपके बदलते हुए पैटर्न में क्या क्या चीज़ें नई जुड़ रही हैं, आपके पेपर में कंपोजिशन पेपर का किस तरीके का है, क्वेश्चंस का ट्रेंड क्या है। तो इसी को ट्रेंड एनालिसिस कहते हैं और ये बहुत ज़रूरी होता है। बीइंग अ टीचर, ये मेरी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मैं आपको वो पढ़ाऊँ जो पेपर की डिमांड है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए आपकी ये क्लासेस भी शुरू की गई। आप 10 मार्च से जो क्लासेस फॉलो कर रहे हैं उसमें आप देख रहे होंगे कि इसी पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है। खासकर जो इस बार अभी एसएससी सीजीएल का पहली बार मेंस का एग्जाम हुआ तो उसमें आपने कुछ ऐसे प्रश्न भी देखे जो आप कहीं ना कहीं पहले के पेपर में कभी भी टीयर वन लेवल पर एग्जाम में नहीं देखते थे। जैसे उदाहरण के लिए आप देखिए, इस बार भीमबेटका को लेकर एक प्रश्न पूछा गया, तो ये प्री हिस्टोरिक साइट है और प्री हिस्टोरिक एज से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है जो आप पढ़ते हैं। खासकर एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के जब आप सोर्सेज पढ़ते हैं, आर्ट एंड कल्चर का पार्ट पढ़ते हैं, तो आपको उसमें ये टॉपिक मिलता है। तो बहुत सारे लोग जब भी एंशियंट इंडियन हिस्ट्री पढ़ना शुरू करते हैं तो उनकी स्ट्रेटजी ये होती है कि इंडस सिविलाइजेशन से टॉपिक स्टार्ट कर दिया। गलती यहीं पर हुई कि आपने प्री हिस्टोरिक एज के टॉपिक को ही टच नहीं किया, क्योंकि आपको स्टोन एज बहुत टफ टॉपिक लगता है। या फिर आपने एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के सोर्सेज पर पढ़ाई भी नहीं की, आप सीधे इंडस सिविलाइजेशन से टॉपिक लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और इस बार एसएससी में अगर देखा जाए तो भीमबेटका पर सवाल पूछा गया। तो ये एक उदाहरण मैंने आपके सामने इसलिए रखा क्योंकि बच्चों, मैं यही कहना चाहता हूं कि हमेशा तैयारी करते समय इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि आपके एग्जाम का पैटर्न क्या है, किस तरह से प्रश्नों का पैटर्न बनाया गया है। तो आप जब भी पढ़ाई करें तो कोशिश यही करें कि जो पेपर की डिमांड है उसको फोकस करें। और आपकी क्लासेस में यही पैटर्न हम लोग फॉलो कर रहे हैं। 10 मार्च से जो मैंने आपकी क्लासेस स्टार्ट की उसमें आप देख रहे होंगे कि हर एक टॉपिक पर कॉन्सेप्ट के साथ आपको लेकर साथ चलना, इसलिए क्योंकि जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाता है तो आप बहुत सारी चीज़ें खुद भी पढ़ने में सक्षम होते हैं, या प्रश्नों में जो विकल्प आते हैं उन विकल्पों में आपको चयन करना होता है कौन सा सही है। इस तरह की संभावनाएं आपकी बढ़ जाती हैं कि जो आप गेस करेंगे वो भी सही होगा। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ जीएस की पढ़ाई को कंटिन्यू करना है, और जैसे क्लासेस आपकी चल रही हैं इसी पर आपको लाइक करते हुए आगे बढ़ना है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जिन बच्चों ने अभी तक ये क्लासेस नहीं शुरू की हैं वो अपनी क्लासेस को ज्वाइन करें बहुत जल्दी, क्योंकि समय भी सीमित है। अगले 4 महीने आपके लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है, और ऐसे में अगर आप एक दिन भी जाया करते हैं तो इसका मतलब कि आप सफलता से एक सीढ़ी और पीछे आ रहे हैं। तो बहुत जरूरी है कि आप अभी से अपनी क्लासेस को प्रॉपर तरीके से ज्वाइन करके उस पर कंटिन्यूटी बनाएं। तो जिन बच्चों को अभी ये क्लासेस जिन्होंने शुरू नहीं की उनको एक हिदायत दूंगा कि वो जल्दी से जल्दी कोर्स में एनरोल्ड करें अपने आप को और क्लासेस तुरंत यहाँ पर स्टार्ट करें।